नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना में सीएनजी बसों को लेकर। राजधानी पटना के साथ साथ देश के कई राज्यों में लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि राजधानी पटना में अब सीएनजी बसों को चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे कि एक तो प्रदूषण से लोगों को राहत मिले, साथ ही साथ यात्रा भी सुगम हो और किराया भी ज़्यादा न देना पड़े। बता दें कि राजधानी पटना में 50 सीएनजी सिटी बसों का परिचालन शुरू किया गया है। बता दें कि इन बसों का किराया पीली बसों के किराया इतना ही होगा। इधर डीटीओ श्री प्रकाश ने बताया कि डीजल की तुलना में सीएनजी काफ़ी सस्ती है। ऐसी स्थिति में सीएनजी बसों के तब्दीली के बाद से बसों के किराए में बढ़ोतरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सीएनजी बसों का किराया पीली प्राइवेट बसों की तुलना में काफ़ी सुविधाजनक होगी, यानी कि उसके समान होगी। आपको बता दें कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा स्वीकृत हरे एवं सफ़ेद रंग में पेंट भी कर दिया गया है, यानी कि जो बसों का स्वीकृति मिली है सीएनजी को लेकर, पीली बसों को लेकर खास करके, उन्हें जो है हरे और सफ़ेद रंग में पेंट किया गया है। बता दें कि इन बसों की कीमत 25 से 30 लाख रुपये के मध्य में सरकार की तरफ से रखी गई है। साथ ही साथ इसमें 7.5 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने जो है इन बसों के सब्सिडी को लेकर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की थी और उसके तहत उन्होंने बताया था कि जिनको इस बसों के तहत बस चलाना है या फिर सब्सिडी लेना है, वो जो है अपना फॉर्म आवेदन डाल सकते हैं। आपको बता दें कि बसों के परिचालन को लेकर पहले फेज में 50 बस मालिकों को इसकी स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि कुछ दिनों में इन बस मालिकों को यह राशि भी दे दी जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर बसों का परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि डीजल बसों से एक तो शहर के अंदर प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी देखी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएनजी बसों से सफर करने से आपके पैसे भी बचेंगे। ऐसे में प्रदेश की सरकार एक तरफ पर्यावरण को ध्यान रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कम पैसे में भी अपने यात्रियों को शहर के अंदर भ्रमण करने में, घूमने में, आने जाने में मरव्वत कर रही है। इन सब के अलावा BSRTC 95 नई CNG बस खरीदने के प्रयास कर रही है, ताकि राजधानी में चल रही और भी डीजल बसों को पूरी तरह से बंद किया जा सके। बिहार सरकार पहले ही पीली बसों को हटाने पर जोर दे रही है। इसके तहत यह बात कही गई है कि अब राजधानी में पीली बसें नहीं चलाई जाएंगी। अगर कोई भी इसे चलाता है तो अब इसे CNG में बदलना होगा। साथ ही साथ बिहार सरकार इसको लेकर अनुदान की राशि भी मुहैया कराने की बात कही है, जिसका जिक्र हमने आपको पर भी किया है। बता दें कि बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि शहर के अंदर चल रहे पीली बसों को धीरे धीरे करके शहर से बाहर किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों 365 पीली बसें हैं, जिसे शहर से बाहर करना है। यह भी बताया गया है कि इन बसों को 50-50 की खेप में शहर से बाहर किया जाएगा और इसको 8 चरण में दूसरे जगहों पर भेजा जाएगा, यानी कि राजधानी से बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि बस मालिकों को बिहार सरकार की तरफ से 2 महीने पहले ही अपनी बसों को CNG में बदलने की बात कही गई थी। हमने आपको पहले ही बताया कि उसकी एक पूरी प्रक्रिया थी, जिसको लेकर बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि आप कैसे जो है CNG में बदलवा सकते हैं, साथ ही साथ उसमें कैसे जो है अनुदान पा सकते हैं। बिहार में जहां पीली बसों को CNG में बदलने की बात कही जा रही है, तो फिर वहीं पर्यावरण को भी ध्यान रखते हुए बिहार सरकार ने 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों को, यानी कि 2-व्हीलर और 4-चक्के गाड़ियों को स्क्रैप करने की बात कर रही है, जिसमें यह कहा गया है कि पुरानी गाड़ियों को अब जो है स्क्रैप किया जाएगा। ऐसे में बिहार सरकार अब पुरानी गाड़ियों को बाजार से बाहर करना चाहती है, सड़कों पर जो है वह पुरानी गाड़ियों को नहीं चलने देना चाहती है। उनका मानना है कि इससे प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई है। तो आपको क्या लगता है, CNG बसों को चलने से प्रदूषण में कमी आएगी शहर के अंदर, या फिर यात्रियों का किराया जो जिस तरह से कम होने की बात कही जा रही है, क्या उसमें कमी देखने को मिलेगी? बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।